उदाहरण 22, दी गई आकृति में PA 4 सेंटीमीटर तथा PB 9 सेंटीमीटर, तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो तो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, और PT एक स्पर्श रेखाखंड हो तो PA गुणा PB PA गुणा PB बराबर PT की घात PT का वर्ग। ये प्रमेय जो है, हमने इसका प्रयोग किया है, प्रमेय जो है कि यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, और PT एक स्पर्श रेखाखंड हो तो PA गुणा PB बराबर PT का की घात 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है वो PA का मान हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PB का मान 9 सेंटीमीटर दिया है, और हमें PT की का मान ज्ञात करना है। तो PT की घात 2 बराबर 9 चौक 36 हो गया, या PT बराबर वर्गमूल 36, जो कि PT बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से हमने PT जो की जो लंबाई ज्ञात की है, यहाँ पे PT स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हमने ज्ञात की है। यह इस उदाहरण का हल होगा।